है, क्या हम इसे एक मिथ माने या फिर क्या कोरिलेशन है इसके बीच में? लोग बोलते हैं ऑयलिंग आपने बहुत टाइम से नहीं की इसलिए डैंड्रफ जो है आपको बार बार हो रहा है, या फिर अगर ऑयल लगा लेंगे तो डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। सो बेसिकली मिथ है या फिर अगर कनेक्शन है तो सही कनेक्शन का ही सही रिलेशन क्या है? मैम एक्चुअली तो ये मिथ है कि ऑयलिंग करने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। नॉर्मली ऑयल जब हमारे स्कैल्प में एक्यूमुलेट होता है तो एक नॉर्मल कमेंसल जो नॉर्मल बैक्टीरिया है जो हमारी स्किन की लेयर्स पे एक्चुअली बैठा रहता है मलेशिया फरफर, वो प्रोलिफरेट करने लग जाता है, उसको खाना मिल जाता है। तो बेसिकली उसकी तादाद बढ़ने की वजह से इचिंग, रेडनेस, इरिटेशन वाली और फ्लेकिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, ये उसकी वजह से है। पर वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो ऑयल पर फीड करता है। तो आप जब ऑयल लगाएंगे, आप लगा के बैठे रहेंगे वो ऑयल मे बी 6 hours, 8 hours, तो उस फंगस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, उसकी तादाद बढ़ने की वजह से हमें डैंड्रफ हो जाएगा। अब अगर यही चीज़ हम फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे तो एज अ रिजल्ट कि वो फंगस ग्रो कर ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और वो फिर बाकी कमेंसल्स, बाकी बैक्टीरिया और फंगाई को भी ग्रो कर देता है अपने साथ, तो इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल है। आप ऑयलिंग कीजिए, अगर बहुत मन है कीजिए, पर आप कीजिए 20 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, एंड उसके बाद अच्छी तरह से शैम्पू से रिंस आउट कर दीजिए। दैट ऑयल शुड नॉट स्टे, और हमारी बॉडी का भी जो ऑयल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो भी क्लीन आउट हो जाना चाहिए। आप नॉर्मल सिनेरियो 20 मिनट्स का जिक्र करें, आप इसे डैंड्रफ वाले केस में? मैम ये नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को जब मना करते हैं आप ऑयलिंग मत करिए, तो उनका रिटर्न में जवाब आता है ऑयलिंग से हमारा हेडेक ठीक हो जाता है। ऑयलिंग करने से चंपी करे बिना हम हेड वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडियन सिनेरियो में ये बना हुआ है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग समझाते हैं पेशेंट्स को आप 15 मिनट्स कर लीजिए। बट वो नरिशमेंट जो हमें देखने को मिलता है पोस्ट ऑयलिंग अगर हम हेड बाथ लेते हैं तो? मैम नरिशमेंट नहीं मिलता, नरिशमेंट बाल जो है ये स्ट्रैंड है, ये स्पेसिफिकली डेड स्ट्रैंड है, ये ग्रो नहीं कर रहा, इसके नीचे की रूट ग्रो कर रही है। तो चंपी का जो फंडा निकला था वो निकला था कि आपके ब्लड वेसल्स वहाँ स्टिमुलेट होते हैं, जब आप फ्रिक्शन करते हैं वहाँ रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग जो होती है उसमें ब्लड वेसल बढ़ जाती है। सेम वे जब आप चंपी ज़्यादा करेंगे तो उससे हेयर फॉल होता है। तो थोड़ी सी स्लाइड चंपी करिए, मसाज करिए, ब्लड वेसल्स इंक्रीज करिए, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। इसी चीज़ को हम एक्सेसिवली कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम समझा के चलते हैं कि धीरे धीरे आप इस हैबिट को कम करिए, पर जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए फिर एडवाइस होता है कि आप 15-20 मिनट्स कर लीजिए एंड देन रिंस इट ऑफ। लड़की वही